दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया जितनी खूबसूरत और आकर्षक है, इसमें उतना ही खतरा और रहस्य भी छिपा हुआ है। जब कभी अंतरिक्ष का कोई रहस्य अचानक हमारे सामने आ जाता है तो हमें हैरान कर देता है, और ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला रहस्य आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। ये एक एक्सोप्लैनेट 55 क्रेनक्रे ई की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से हीरे से बना है और इसकी कीमत 26.9 अरब डॉलर आंकी गई है। वैज्ञानिक इसे डायमंड प्लैनेट यानी कि हीरे से बना ग्रह भी कहते हैं। आइए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हमारी पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक नए सौरमंडल की खोज की गई है। 55 कंकरे से जाना जाने वाला ये सौरमंडल कई नरक नक्षत्र में मौजूद है, और इस सौरमंडल में एक बड़ा सितारा है और इस तारीख के आसपास 5 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इस बड़े से सितारे को 55 कंकरे कहा जाता है। इसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनमें 55 कंकरे बी, 55 कैंकरे सी, 55 कैंकरे डी और 55 कैंकरे ई और 55 कैंकरे एफ शामिल है। हम जिस एक्सोप्लैनेट 55 कैंकरे ई की बात कर रहे हैं, वो अपने होस्ट स्टार 55 कैंकरे ई की परिक्रमा 18 घंटे में पूरी कर लेता है। इस प्लैनेट के बारे में कहा जाता है कि इसका व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा 2 गुना है और उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 8.63 गुना ज्यादा है। इस प्लैनेट के बारे में एक ऑप्शनल पॉसिबिलिटी ये थी कि ये एक सॉलिड प्लैनेट है जो बेसिकली कार्बन से बना है, ना कि ऑक्सीजन से, और ये माना गया था कि इस ग्रह में लगभग एक तिहाई कार्बन की मौजूदगी होगी, जिसमें से ज्यादातर कार्बन ग्रह के इंटरनल टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हीरे में बदल गया होगा। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए स्टडी की आवश्यकता महसूस की गई। इस बारे में एक लॉजिक ये भी है कि ज्वारीय बल, कक्षीय और घूर्णी केंद्र प्रसारक बल के साथ रात में हाइड्रोजन युक्त वातावरण को थोड़ा बहुत सीमित कर सकते हैं। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। ये प्लैनेट अपने सौरमंडल में सबसे छोटे आकार वाला प्लैनेट है। ये अपने सेंट्रल स्टार से सबसे ज्यादा करीब का ग्रह है। इसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी लगभग 2000 केल्विन। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर मूल रूप से कार्बन है। प्रेशर और टेम्परेचर का हायर सिचुएशन के कारण ये कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गए होंगे। इस ग्रह की जब से खोज हुई है तब से लेकर साल 2010 तक यही माना जाता था कि ये अपने सेंट्रल स्टार का एक सर्कल पूरा करने में लगभग 2 दिन का समय लेता है। लेकिन साल 2010 में जब नए सिरे से कैलकुलेशन हुई तो उसमें ये जानकारी मिली कि ये अपने हॉट स्टार की एक परिक्रमा पूरा करने में केवल 18 घंटे का टाइम लेता है। जब से इस ग्रह की खोज हुई है तब से वैज्ञानिक यही मानते थे कि इस ग्रह पर ठोस चट्टाने ही हो सकती हैं। जबकि इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता ये थी कि ये केवल गैस का गोला है। लेकिन जब साल 2010 में एक नई स्टडी सामने आई तो उसमें वैज्ञानिकों का ये पता चला कि 55 कंकरे ई और उसका होस्ट स्टार 55 कंकरे ए में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन ज्यादा है। ये माना जा रहा है कि भारी दबाव और इंटरनल टेम्परेचर की वजह से कार्बन के टुकड़े हीरे में कन्वर्ट हो गए होंगे। इसके बाद इस ग्रह के बारे में साल 2011 में एक नई स्टडी सामने आई, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की डेंसिटी को स्टडी किया। साथ ही साथ ये भी पता लगाया कि ये ग्रह एक वाटर प्लैनेट है, जिसमें हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है बल्कि वेपराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है। मैरिजोना यूनिवर्सिटी की जोना टेस्के की टीम ने इस ग्रह के बारे में साल 2013 में जो स्टडी की थी उसके डेटा को दोबारा खंगाला, और उसके बारे में उन्होंने कहा इस ग्रह और उसके होस्ट स्टार में ऑक्सीजन की भी मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि होस्ट स्टार में कार्बन की अपेक्षा आधी राशि ऑक्सीजन की भी है। उनकी टीम ने यह भी कहा कि होस्ट स्टार में कार्बन के कंपैरिजन में 25% ज्यादा ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन इस बारे में जो नई स्टडी सामने आई है उसके अनुसार इस ग्रह के बारे में जो बातें हमें मालूम थी वो सभी प्रारंभिक गणनाएं अवैध हैं। फरवरी साल 2016 में इस बारे में घोषित रूप से ये बताया गया कि नासा के हबल टेलीस्कोप ने इस ग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम को भी एनालाइज किया है। सभी ये भी पता लगा रहे थे कि ग्रह में हायर हाइड्रोजन साइनाइड भी मौजूद है। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि सुपर अर्थ में कार्बन की भी उचित मात्रा है। ये भी पता लगाया गया कि पहले की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा मात्रा में कार्बन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर किसी की भी तरह वाटर वेपर नहीं है। पहली बार सौरमंडल से बाहर किसी ग्रह को इस तरीके से एनालाइज करके उसकी स्टडी की गई और उसमें मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाया गया। 55 कैंकरी ई केंद्र में मौजूद स्टार 55 कैंकरी ए के ऑर्बिट में एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान लगभग 8.63 पृथ्वी द्रव्यमान है। इसका डायमीटर पृथ्वी से लगभग 2 गुना है। इस प्रकार इसे एक मेन तारे के आसपास खोजे गए पहले सुपर अर्थ के रूप में जाना जाता है।
केंद्र में मौजूद अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 18 घंटे से भी कम समय लगता है और ये अपने ग्रह मंडल में नियरेस्ट नोन प्लैनेट है। 55 कैंप्री ई की खोज 30 अगस्त 2004 को हुई थी। हालांकि 2010 में ऑब्जर्वेशन और रिकैलकुलेशन होने तक इसके बारे में यही पता था कि इस ग्रह को तारे की परिक्रमा करने में लगभग 2.8 दिन लगते थे। अक्टूबर 2012 में ये घोषणा की गई कि 55 कैंप्री ई एक कार्बन ग्रह हो सकता है। फरवरी 2016 में ये घोषणा की गई थी कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाइड्रोजन और हीलियम का पता लगाया था, लेकिन 55 कैंप्री ई के वातावरण में कोई जल वाष्प नहीं थी। पहली बार सुपर अर्थ के एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया गया था। जुलाई 2014 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नेम एक्सो वर्ल्ड्स लॉन्च किया। ये बेसिकली कुछ एक्सोप्लैनेट और उनके मेजबान सितारों को सही नाम देने की प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक नामांकन और नए नामों के लिए मतदान की प्रक्रिया शामिल थी। दिसंबर 2015 में IAU ने घोषणा की कि इस ग्रह के लिए विजेता का नाम जॉनसन था। विजेता का नाम रॉयल नीदरलैंड्स एसोसिएशन फॉर मेटियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी ऑफ द नीदरलैंड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। केप्लो मिशन से पहले पाए गए अधिकांश एस्ट्रोसोलर ग्रहों की तरह 55 कैंप्री ई को इसके तारे के रेडियल वेग में डिफरेंस का पता लगाकर खोजा गया था। ये 55 कैंप्री ए के स्पेक्ट्रम के डॉपलर शिफ्ट के संवेदनशील माप करके हासिल किया गया था। इसकी खोज के समय तीन अन्य ग्रहों को स्टार की कक्षा में जाना जाता था। इन ग्रहों का हिसाब लगाने के बाद लगभग 2.8 दिनों का एक संकेत बना रहा, जिसे कम से कम 14.2 पृथ्वी द्रव्यमान वाले ग्रह द्वारा बहुत करीब की कक्षा में समझाया जा सकता है। अनिश्चित ग्रह 55 कैंक्री सी के अस्तित्व की पुष्टि के लिए समान माप का उपयोग किया गया था। 55 कैंक्री ई पहले एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों में से एक था जिसका द्रव्यमान नेपच्यून की तुलना में खोजा गया था। ये उसी समय घोषित किया गया था। अपने मेजबान तारे के ग्रह के पारगमन की घोषणा 27 अप्रैल 2011 को की गई थी, जो सबसे अधिक अंतरिक्ष दूरबीन के साथ लगभग निरंतर फोटोमेट्रिक निगरानी के 2 सप्ताह के आधार पर किया गया था। पारगमन उस अवधि 0.74 दिन और चरण के साथ होता है जिसकी भविष्यवाणी डॉसन और फेब्रिकी ने की थी। ये एक प्रसिद्ध तारे के आसपास पुष्टि किए जाने वाले कुछ ग्रहों के पारगमन में से एक है। 55 कैंक्री ई जुलिसी 436b से ज्यादा रेडिएशन रिसीव करता है। अपने तारे के सामने वाले ग्रह का तापमान 2000 केल्विन लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस या 3100 फ़ारेनहाइट से अधिक है, जो लोहे को पिघलाए जाने वाले हाई टेम्परेचर के बराबर है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के साथ इंफ्रारेड मैपिंग ने 2573 के 2300 डिग्री सेल्सियस या 4172 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत फ्रंट साइड तापमान और लगभग 1644 के 1371 डिग्री सेल्सियस या 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत बैक साइड तापमान का संकेत दिया है। एक्सोप्लैनेट 55 कैंक्री ई अपने होस्ट तारे की परिक्रमा करता है। शुरू में ये जानकारी नहीं थी कि क्या 55 कैंक्री ई नेपच्यून की तरह एक छोटा गैस का गोला था या एक बड़ा चट्टानी स्थलीय ग्रह था। 2011 में ग्रह के पारगमन की पुष्टि की गई, जिससे वैज्ञानिकों को इसके घनत्व की गणना कर पाना पॉसिबल हुआ। पहले इसके जल ग्रह होने का संदेह था, जैसा कि स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन में पारगमन के दौरान अपने लाइम अल्फा में कोई हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया। एहर निरिच ने अनुमान लगाया कि इसकी वाष्पशील सामग्री पानी या हाइड्रोजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। एक ऑप्शनल पॉसिबिलिटी ये है कि 55 कैंक्री ई एक ठोस ग्रह है जो कार्बन समृद्ध सामग्री से बना है, ना कि ऑक्सीजन समृद्ध सामग्री से, जो सौर मंडल में ठोस प्लैनेट को बनाता है। दोस्तों, ये था अंतरिक्ष में मौजूद डायमंड स्टार का एक इंफॉर्मेशनल ट्रैवल। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखने के लिए शुक्रिया।